तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज है आपका 28 तारीख एंड 28 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आने वाला था BCEC का, ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का, ठीक है, PCM ग्रुप से जो भी कैंडिडेट थे या PCMB ग्रुप से जो भी कैंडिडेट थे। बट अभी, ठीक है, अभी 4 बज चुका है, ठीक है, शाम का 4 बज चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब तक आपका BCEC का अलॉटमेंट लेटर आएगा। अभी तक अलॉटमेंट लेटर आया भी नहीं है और कब तक आएगा ऐसा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आज आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आएगा भी तो कितने बजे तक आ सकता है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो, जैसा कि फर्स्ट का जो अलॉटमेंट लेटर आता है ना, अक्सर उसमें देरी होता ही है, ठीक है, कुछ हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो या फिर कुछ गड़बड़ पाया जाता है जिसके कारण थोड़ा मोड़ा डिले होता ही है। ऐसे तो एज पर शेड्यूल देखा जाए तो 3 से 4 बजे तक आ जाना चाहिए, ताकि बच्चे लोग को टेंशन ना हो डॉक्यूमेंट अरेंज करने में। रात, अब शाम में अगर मान लो कि रात को 7 बजे आएगा ही, शाम में 7 बजे 8 बजे आएगा ही, तो बच्चों को दिक्कत तो होगा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अरेंज करने में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर सुबह ही आ जाता है तो शाम तक सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके निकल जाएंगे, ताकि कल कॉलेज में एडमिशन ले ले, ठीक है। सो इस वजह से अब तक तो अलॉटमेंट लेटर आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया। बट कोई नहीं, अगर नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर तो आएगा बाबू। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि 3 से 4 बजे तक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, बट नहीं आया। और लेकिन मैं वो अप्रॉक्स इतना टाइम बताया तो कि इतना बजे तक आ जाता है, ठीक है। जैसे सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आप जब भी देखोगे तो 3 से 4 बजे तक के बीच में आ जाता है, मतलब उतना बजे तक आ जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर जो है उसमें डिले करता ही है, ठीक है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आने में डिले होता ही है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका 28 तारीख आज है और 28 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा ही, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा सारे लोगों को कि हाँ अलॉटमेंट लेटर आ गया, सभी लोग जाके डाउनलोड कर ले, जैसा भी जो भी अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा कि यार 11,000 रैंक है, 12,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, 16,000 रैंक है, 1,000 रैंक है, 2,000 रैंक है, CSC ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा चीज का डर होगा आपको मन में, ठीक है। मैं ये समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी ये परेशानी झेला जब मैंने BCEC का एग्जाम दिया था तब, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। 28 तारीख को है, 28 तारीख को आज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, एंड अलॉटमेंट लेटर तो आएगा ही, साथ में आज कंफर्म आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिले कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अलॉटमेंट लेटर किन डाउनलोड करते समय किन बातों का ख्याल रखना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो जस्ट ही कुछ देर पहले अपलोड किया, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। अपग्रेड ऑफ फ्रिज का रूल क्या है, ऑटो अपग्रेडेशन ऑफ फ्रिज करने का रूल क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्यों किया जाता है, ये सारा चीज मैंने पहले ही वीडियो बनाकर ऑलरेडी समझा दिया है। सो देखो, BCEC का जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो आज आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। देखो, अगर 8 बजे तक आ गया सो आ गया, ठीक है, 8 बजे तक आ गया सो आ गया। अगर 8 बजे के बाद डिले होता है तो समझो कि ये डिले हो जाएगा, मतलब डेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 8 बजे से पहले आ जाएगा तो चलो बल्ले बल्ले रहेगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आई होप आ जाए, तो मैं फिर लाइव आके सभी लोग से डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड हां, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलेगा BCEC से रिलेटेड या बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड या बिहार पॉलिटेक्निक या बिहार पैरामेडिकल से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छे रैंक है तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, रैंक ज्यादा है तब भी कॉलेज मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।